हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्मल ये हो गया, पावर प्लांट आपको दिख ही रहा है, तो ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और फिर उसका फिज़िकल जो उसका डायग्राम है वो देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल जो ब्लॉक डायग्राम है आपका ये है, जिसमें असेंशियल कंपोनेंट, जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट हैं, वो इस ब्लॉक डायग्राम में रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है थर्मल पावर प्लांट का, वो है बॉयलर, जिसमें हीट डेवलप होती है। ठीक है, और फिर हीट डेवलप होती है, वो पानी को, वाटर को क्या बनाती है, स्ट्रीम बनाती है। स्ट्रीम को हम डालते हैं टर्बाइन पर, जिससे टर्बाइन रोटेट करें। ठीक है, तो जो हर पावर प्लांट का जो मेन वर्क है वो क्या है, टरबाइन को रोटेट कराना। क्योंकि टरबाइन रोटेट करेगा तभी तो जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट रोटेट करेगा, और जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि रोटेशनल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मेन काम क्या है हर पावर प्लांट का, टरबाइन को रोटेट कराने का। टरबाइन कपल्ड होता है जनरेटर से, और टरबाइन का काम क्या है, जनरेटर को रोटेट कराने का। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर से पानी को स्ट्रीम बनाते हैं और स्ट्रीम को डाल देते हैं टरबाइन पर। स्ट्रीम के प्रेशर से टरबाइन आपका रोटेट करने लगता है। ठीक है, अब स्ट्रीम आपकी हो गई यहाँ पर, स्ट्रीम यहाँ से आपकी आउट हुई। ठीक है, अब जब स्ट्रीम आपकी यहाँ आ गई तो कंडेंसर में वापस हम इसको पानी बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीम को, क्योंकि फिर पानी को वापस हम लोग गर्म करके फिर दोबारा से इसी साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो कंडेंसर को, कंडेंसर में आके स्ट्रीम का पानी बन गया, फिर पानी को पंप से फिर दोबारा इधर इस्तेमाल के लिए वापस भेज दिया गया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, पानी स्ट्रीम बनता है, स्ट्रीम टरबाइन पे गिरती है, टरबाइन से स्ट्रीम कंडेंसर पे जाती है, कंडेंसर से वाटर आता है जो पंप के थ्रू बॉयलर में फिर दोबारा स्ट्रीम बनने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने कंडेंसर और बॉयलर के बीच में पंप लगाई हुई है एक। ठीक है, इस पंप का इस्तेमाल क्यों किया है मैंने, इस पंप का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो आपका बॉयलर है वो हाई प्रेशर पर है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर है। ठीक है, और जो आपका कंडेंसर है वो लो प्रेशर पर है। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर स्ट्रीम तो जा सकती है, लेकिन लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब वाटर को भेजना है तो आपको पंप की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप किसी वस्तु को, किसी चीज़ को छत पे से छोड़ते हैं अपनी, तो वो नीचे तो नेचुरली ही जाएगी, लेकिन ऊपर उसको आपको अगर भेजना है तो उसको आपको कोई ना कोई पावर लगानी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस तो जाएगी जाएगी, लेकिन आपको लो प्रेशर टू हाई प्रेशर भेजना है तो उसमें पंप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका फिज़िकल डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो देखने में आपका थर्मल पावर प्लांट लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इसमें मैं एक एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, ये आपका है बॉयलर। लेफ़्ट कॉर्नर पे देखिए, ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पर टैंक दिया हुआ है वाटर का। ठीक है, ये जो बाहर से पाइप जा रहा है ये है पाइप वन, और ये जो बॉयलर के अंदर वाला है वो है पाइप टू। ठीक है, तो जब मैं आपसे बोलूँ पाइप टू तो इसकी तरफ नज़र डालिएगा, ये पाइप वन है बाहर वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए SUP लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, SUP। SUP का माने मतलब है सुपर हीटर, इको माने इकोनोमाइज़र, और री हीटर आप देख ही रहे हैं उसके बगल में, इकोनोमाइज़र री हीटर। ठीक है, यहाँ पर ये टरबाइन है, ये लो प्रेशर टरबाइन है, और उसके बगल में ये वाली जो है वो आपकी हाई प्रेशर टरबाइन है। ठीक है, ये जो आपको इधर दिया हुआ है ये है आपका कंडेंसर। ठीक है, ये आपका कंडेंसर है। ठीक है, इतना आप पूरा समझ गए। ये जो दिखाई हुई है ये क्या है, ये फ्लू गैसेज है। ठीक है, फ्लू गैसेज जा रही हैं इधर की तरफ उड़ती हुई। ठीक है, अब तो एक मैं फ्रेश डायग्राम ले लेता हूँ एक। ठीक है, अब आप समझ तो गए क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो मैं एक फ्रेश वो ले लेता हूँ पेज। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेश डायग्राम ले लिया। अब देखिए बॉयलर की तरफ,
बॉयलर में आप लोग क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोल का पाउडर फॉर्म में कोल को पाउडर बना के उसको बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से जो ये दिखाया जा रहा है ये फ्लू गैसेज है, मैंने आपको बताया था। पाइप वन से पानी नीचे आ रहा है, पाइप वन यानी कि बाहर वाला पाइप जो है इससे पानी नीचे आ रहा है टैंक से, ठीक है। पानी जब नीचे आ रहा है फिर जब जो पाइप टू में पानी जा रहा है, ये जो अंदर वाले पाइप में जब पानी जा रहा है तो वो बॉयलर की हीट की वजह से स्ट्रीम बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर है हीट, क्योंकि यहाँ पर हीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है तो यहाँ पर हीट है, ठीक है। हीट की वजह से पाइप टू यानी कि ये वो जो वाला पाइप है, ये वाला पाइप टू में जो वाटर है वो स्ट्रीम बन गया। अब यही स्ट्रीम ऊपर गई, ऊपर चलती चली गई और आपका इस टैंक में स्ट्रीम आ गई, ठीक है, इस टैंक में स्ट्रीम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्ट्रीम आ गई तो स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाएगी टैंक में, तो ऊपर से ये जो आपकी जगह है यहाँ से होती हुई सुपर हीटर से होती हुई आपकी स्ट्रीम गई, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैंने सुपर हीटर से स्ट्रीम होके क्यों गुजार रही है, सुपर हीटर से स्ट्रीम इसलिए होके गुजार रही है कि जो स्ट्रीम हमने बॉयलर में बनाई है, ठीक है, उसका हम चाहते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, ताकि वो और प्रेशर लगा सके टरबाइन के ऊपर। तो यहाँ पर हम उसको और हीट कर लेते हैं जिसको हम लोग सुपर हीटर में से गुजारते हैं। सुपर हीटर का क्या मतलब है, यानी कि सुपर हीटर का मतलब है कि वहाँ पर हम स्ट्रीम को और ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से सुपर हीट होके वो आपकी टरबाइन पे चली गई। अब ये जो छोटा वाला टरबाइन है ये क्या है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन यानी कि जो हाई प्रेशर से चले टरबाइन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बॉयलर से आपकी स्ट्रीम आई है उसको सुपर हीट भी कर लिया, तो सबसे पहले उसे हाई प्रेशर टरबाइन पे डालेंगे, क्योंकि वो जो स्ट्रीम है जो बॉयलर से अभी अभी आई है वो सक्षम है हाई प्रेशर टरबाइन को चलाने के लिए, यानी कि जो टरबाइन हाई प्रेशर पर चलता हो, हाई प्रेशर लगाते हों। अच्छा, हाई प्रेशर टरबाइन आप जानते होंगे, जैसे आपने साइकिल चलाई होगी कभी, तो जो गियर वाली साइकिल होती है तो जब उसके छोटे चक्के पे चैन होती है तो काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है, तो काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो इससे क्या होता है आपको जो आउटपुट मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, यानी कि ताकत लगाए जब साइकिल आप चलाते हैं साइकिल तेज़ चलती है, ठीक है, छोटे वाले चक्के पे। वहीं दूसरी तरफ बड़े वाले चक्के पे क्या होता है, जब चेन होती है तो साइकिल पर लो प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन साइकिल का आउटपुट कम मिलता है। अब बड़े वाले चक्के का क्या काम है, यहाँ पर आपके अंदर प्रेशर कम है, ठीक है, आपके अंदर ताकत अभी कम है तो आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो भले ही आपको आउटपुट कम मिलेगा लेकिन आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है, हम हाई प्रेशर टरबाइन पर जब डालते हैं, ठीक है, स्ट्रीम को, तो वो रोटेट कर जाता है, उसके बाद हम लोग उसी स्ट्रीम को दोबारा, अब उस स्ट्रीम को दोबारा हम लोग ले जाते हैं रीहीटर में, फिर दोबारा रीहीट करके उसको हम लोग लो प्रेशर टरबाइन पर डाल देते हैं, यानी कि ऐसे टरबाइन पर जो लो प्रेशर पर भी चल जाता है, ठीक है। लो प्रेशर पर जब टरबाइन आपकी चल जाता है तो फिर ये चल गया टरबाइन जो कि कनेक्टेड है आपका, दोनों टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से, ठीक है, तो जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट भी रोटेट कर गया, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको समझ में आई होगी कि पहले हाई प्रेशर टरबाइन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीम में स्टार्टिंग में हाई प्रेशर अप्लाई कर सकती है स्ट्रीम, फिर बाद में उसको हम जब एक बार यूज़ कर चुके हैं तो वो अब उतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकती, दोबारा उसे रीहीट करके हम भले ही थोड़ा उसको उसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना प्रेशर वो जितना पहले कर सकती थी स्टार्टिंग में उतना नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने जो सेकेंड स्टेज में यूज़ किया गया है वो हमने यूज़ किया है लो प्रेशर टरबाइन, उसको कनेक्ट किया है जनरेटर से। अब उसके बाद स्ट्रीम आपकी आई कंडेंसर में, यहाँ पर, ठीक है, कंडेंसर में स्ट्रीम आई तो फिर से कंडेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रीम फिर से पानी बन जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रीम आपकी पानी बन गई, वाटर बन गई, वाटर को हम पंप द्वारा ऊपर भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर भेजेंगे, ये ऐसे जाते हुए इकोनोमाइज़र से होता हुआ फिर द्वारा पानी को हम ये वाटर टैंक में डाल देंगे, ठीक है। अब आप एक बात गौर करेंगे यहाँ पर कि जो पानी मैंने कंडेंसर से वापस भेजा है वो इकोनोमाइज़र से होता हुआ गया है, ऐसा क्यों,
तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर देते देते आप सब समझ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि जब स्ट्रीम बनती है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप वाटर को वापस क्यों भेज रहे हैं, वाटर को वापस भेज क्यों रहे हैं आप स्ट्रीम बनाने के लिए। अब ये बताओ, ठंडे पानी की स्ट्रीम ज़्यादा जल्दी बनेगी या गर्म पानी की स्ट्रीम ज़्यादा जल्दी बनेगी? तो आप कहेंगे गर्म पानी की स्ट्रीम ज़्यादा जल्दी बनेगी। तो हम लोग इकोनोमाइज़र में से उस वाटर को भेजते हैं क्योंकि वो पानी पहले से थोड़ा गर्म हो जाए और गर्म हो के टैंक में जाए। अब गर्म पानी टैंक में जब जाएगा तो वापस जब उसे हम लोग साइकिल में यूज़ करेंगे तो गर्म पानी हॉट वाटर स्ट्रीम जल्दी बन जाएगा। तो यही हम लोग, इसीलिए हम लोग इकोनोमाइज़र में से होके उसे निकालते हैं। दूसरा एक सबसे असेंशियल क्वेश्चन आप पूछेंगे कि जो सुपर हीटर है, जो इकोनोमाइज़र है और जो री हीटर है, उन तीनों के पास हीट कहाँ से आ रही है? ठीक है, उन तीनों के पास हीट कहाँ से आ रही है? तो एक बार ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को। ऐसे करके बॉयलर था, ऊपर से जो कोयले कोयले को जलाने के बाद जो गरम गरम गैसेस थी वो ऐसे निकल रही थी, ठीक है, ऐसे करके तो निकल रही थी। तो जो गरम गैसेस हैं वो भी तो हीट प्रोवाइड करेंगी। तो जो सुपर हीटर है, इकोनोमाइज़र है और जो आपका री हीटर है, तीनों के पास जो हीट है वो फ्लू गैसेस से, यानी कि कोल को बर्न करने के बाद जो गैसेस बनी उससे आपकी आती है, ठीक है, क्योंकि वो गैसेस का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं हीट पैदा करने में। देखो हीट तो देखो गैसेस में हीट है, हम जानते हैं जो कोयले के बर्न गैसेस हैं उनमें हीट तो है ही है, गर्माहट तो है ही है, तो उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। किस किस में? सुपर हीटर में यूज़ कर लेते हैं, फिर जब लौट के जब पानी आता है तो वाटर उसमें इकोनोमाइज़र में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, फिर रीहीटर में भी यूज़ कर लेते हैं। अब इकोनोमाइज़र क्या करता है आपका, पूरे पावर प्लांट की 1% एफिशिएंसी बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है एफिशिएंसी? आपके प्रोफेसर आपसे पूछें कि इकोनोमाइज़र का क्या यूज़ है, तो आप क्या बता सकते हो कि इकोनोमाइज़र का ये यूज़ है, जब वाटर वापस आता है आपका टैंक में तो हम उसको इकोनोमाइज़र में गर्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं गर्म? क्योंकि देखो फ्लू गैसेस तो वैसे भी हमारी वेस्ट जा रही थी, तो उससे पानी गर्म हो जाएगा तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो गर्म पानी आराम से स्ट्रीम बन जाएगा, इसलिए हम इकोनोमाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। रीहीटर का इस्तेमाल करते थे क्योंकि लो हाई प्रेशर टरबाइन पर जब स्टीम डलती थी उसके बाद उसे रीहीट करना पड़ता था, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप कहेंगे कि नोट्स तो मिले ही नहीं, ठीक है, नोट्स तो नोट्स आपको मिलेंगे विद्या ट्रांस चैनल को ओपन करेंगे जब, ठीक है, तो आपको ऐसे आ जाएगा होम और इसके बगल में कुछ और, फिर कुछ और कुछ और, तो एक कम्युनिटी का ऑप्शन आता है जिसके बगल में चैनल का ऑप्शन आता है, तो कम्युनिटी पे जाइए आप, वहाँ पर सारे नोट्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।